मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रेस्टोरेंट पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है। मुरैना से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर होटल में बदमाशों ने हवाई फायरिंग की, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए मुरैना में बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, लगातार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं और अब ये घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि वजह क्या रही है, मामला क्या रहा है, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, ये तस्वीरें सामने आई है, होटल पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग की है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं और इससे पूर्व भी ये जो पटी गली इसके आसपास में पहले भी फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। और जिस तरीके से होटल संचालक पर आकर ये बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश हैं, इन्होंने आकर पहले खाना खाया और कहीं सिगरेट वगैरह पीने के चक्कर में इनमें विवाद सामने निकल कर आया है और उसके बाद ये निकल कर चले गए और फिर हथियारों के साथ आए और कट्टे से आकर इन्होंने मुंह बांधकर फायरिंग करना शुरू कर दिया है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चूंकि आरोपियों की तलाश में भी जुट गई है और पुलिस ने जो होटल संचालक है उसकी तरफ से मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि शहर के प्रमुख रोड, गर्ल्स कॉलेज रोड है, अगर दिन का मामला होता तो कोचिंग सेंटर के कई छात्र को एक बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता था। जिस तरीके से बदमाशों ने आकर फायरिंग की है और एकदम जिस चूंकि रेस्टोरेंट में भी दहशत का माहौल फैल गया पूरी तरह से और उसके बाद फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर और आसपास के इलाके के जो आगे भी रेस्टोरेंट से आगे भी कहीं सीसीटीवी फुटेज या चौराहे पर लगे हुए उनकी भी तलाश की जा रही है कि कहीं फुटेजों में चेहरे खुले हुए आ जाए, जिससे आरोपियों की जल्द पहचान हो जाए, जल्द गिरफ्तारी हो सके। जी जी सत्येंद्र, चूंकि हम सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं, इसमें कई सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, हवाई फायरिंग भी करते हुए यहाँ पर बदमाश नजर आ रहे हैं, तो क्या किसी के घायल होने की भी खबर है? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से वो अंदर आए हैं और उन्होंने आते ही फायरिंग किया है, लेकिन चूंकि गोली दीवार में लगी है, किसी की हताहत होने की इस तरीके की कोई सूचना है नहीं, ना कोई इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है। लेकिन सिर्फ ये पूरा जिस तरीके से लग रहा है उससे ये लग रहा है कि जो बदमाश है वो टेरर जैसे दहशत फैलाने के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और उन्होंने फायरिंग भी जो की है किसी को गोली मारने के उद्देश्य से नहीं की है, सिर्फ एक अपनी दहशत। और जिस तरीके से जब नाम आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और जो उनके चेहरे और नाम सामने आते हैं तो उससे उनका कहीं ना कहीं टेरर, और जिस तरीके से चंबल में जो पुरानी कहावत है कि बंदूक की नोक पर टेरर या अपना जो दहशत है वो कहीं ना कहीं फैलाने के लिए जिस तरीके से जो फायरिंग की जाती है, जिस तरीके अमूमन जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं दहशत फैलाने के लिए ये फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं। अब देखना होगा कि आरोपी कौन है, कितने आरोपी हैं और पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार कर पाई। हालांकि पुलिस कह रही है जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ऐसे कई मामले हैं, अर्थ फायर के भी कई घटनाक्रम आते हैं जिनमें अमूमन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, क्योंकि सीसीटीवी पर फुटेज तो आते हैं लेकिन चेहरे बंधे हुए थे जिस कारण से खुलासे भी नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, मुरैना से जो लगातार तस्वीरें आ रही है वो वाकई बेहद चिंता में डालने वाली, क्योंकि यहाँ पर बदमाश जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे और पुलिस भी है, उनका जो एक्शन है वो यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।